आज मुझे इन्होंने कहा हो गया नहीं सर आपने कहा आई एम सॉरी नहीं दिया। उसके बावजूद जब आप पहुंचे, हम सब वहां पहुंचे, उन्होंने आप लोग सबसे बात करने की कोशिश की और शुरू करने से पहले उन्होंने यही कहा कि ये ऑर्डर्स है, मुझे मालूम है ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे और मुझे कोई गिला नहीं है, मैं इनके साथ जरूर जाऊंगा, मगर अभी मुझे हक बनता है कि मैं मीडिया से गुफ्तगू कर सकूँ और अपना मौकिफ पेश कर सकूँ। वो कोशिश ही कर रहे थे ये सब बताने की कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी नफी करते हुए इन्होंने उनको एक और MPO 3 के तहत डिटेन किया है और दोबारा लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा कि क्योंकि वो बात कर रहे थे और ये नहीं चाहते कि आप ना शाह महमूद का चेहरा देखें, ना उनकी आवाज़ सुने, ना इमरान खान का चेहरा देखें, ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुने, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनकर, इनका चेहरा देख के, इनके अल्फाज सुनकर लोगों में जोश और बलबला पैदा होता है। लोगों को ये मालूम होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नाइंसाफी हो रही है, एक सियासी इंतकाम का इन्हें निशाना बनाया जा रहा है और ये वो चाहते हैं कि सच को वो रोक सके, मगर सच वो चीज़ है जो कभी रोकी नहीं जा सकती। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह इस वक्त जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे कानून अदालतों के अहकाम हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। ये वही 3 MPO का ऑर्डर है जिसके अंदर उन्हें 9 मई के बाद 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया और जब उनको रिहाई मिली इसलिए मिली थी कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोबारा इस MPO के तहत इन केसेस में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। आज उस ऑर्डर की नफी करते हुए उन्होंने दोबारा ये ऑर्डर जारी किया है और दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया है और एक बहुत ही बदतमीज तरीके से गिरफ्तार किया है। मेरे वालिद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ना कभी किसी से बदतमीजी की है, ना कभी सख्त रवैया रखा है, आप सब इस बात के गवाह हैं। आज उन्होंने ऐसे इंसान को इस बदतमीजी से गिरफ्तार किया है और ये याद रहे सबको कि मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, ये वो जमात है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और दुनिया भर में 5वीं बड़ी सियासी जमात है, ये दुनिया की 5वीं बड़ी सियासी जमात है और उसके वाइस चेयरमैन को एक जमहूरियत के अंदर जहां इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और मेरे वालिद वाइस चेयरमैन होने के अलावा पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, क्या ये तरीका मुनासिब था? मैं इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती। मैं इस वक्त मैं इस पर कानूनी निकाल पर बात करूँगा। एक वकील के तौर पे आज अफसोस की बात है कि इस तरह एक साबिक वजीर खारजा को, 2 दफ़ा के वजीर खारजा को धक्के मार के एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। जो कल का MPO का ऑर्डर है जो उनके हाथ में था, उन्होंने जेल की हदूद के बिल्कुल कोने पर खड़े होकर बात करने की कोशिश की, अपना एक फंडामेंटल राइट जो है अपने एक्सप्रेशन का, उसका इजहार करने की कोशिश की, आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की, उसको बातें वो पसंद नहीं आई और उन्हें धक्के दे के बक्सर बंद गाड़ी में डाल दिया गया। जो MPO का ऑर्डर है वो जिक्र करता है एक FIR नंबर 708 का पिंडी की, आर्य बाजार की, और उसमें लिखा हुआ है कि उनको उसके तहत गिरफ्तार किया गया था और जुडिशल लॉकअप भेजा गया। हमारी जहाँ तक मालूम है हम शुरू से उनके साथ उनको कभी किसी FIR के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था, बोलते ही गलत गाड़ी की गई है। अब जहाँ उनको लेके जाया गया है हमें इसका नहीं पता। अभी यहाँ पे साइबर ट्रायल की आपके पीछे अडियाला जेल के अंदर हेयरिंग है, हमें नहीं मालूम कि जज साहब पहुँच गए हैं कि नहीं और क्या शाम है कुरैशी साहब को अभी लाया जाएगा वापस यहाँ पे। हम ये सारे निकात उठाएंगे। जो
MPO का ऑर्डर 9 मई के बाद DC रावलपिंडी ने जारी किया था, जिसके तहत शाह साहब पाबंद में सलासिल हुए थे, उसका ऑर्डर हमने चैलेंज किया था रावलपिंडी बेंच के सामने। जस्टिस अब्दुल अजीज साहब ने बड़ा मुफसिल उसके ऊपर ऑर्डर जारी किया था, और उसमें ये भी लिखा था कि आप जो गुज़श्ता गुजरे हुए वाकयात हैं उनके ऊपर बार बार किसी मामले की तरह आप गिरफ्तारी नहीं डाल सकते, और दोबारा बंद ना किया जाए। आज उसी किसी रावलपिंडी के दफ्तर ने एक और MPO 7 महीने के बाद जारी करके साबिक वजीर खारजा को दोबारा से डिटेन कर दिया। जाहिर है ये चीज़ें सब चैलेंज होंगी, लेकिन सवाल तो ये है कि हम ये चैलेंज करेंगे तो फिर किस प्रिवलेस केस के अंदर भी गिरफ्तारी डालेंगे, उसके बाद किसमें डालेंगे। ये तो खवातीन को कोटा तक पिशावर तक लेके जा रहे हैं, तो ये अफसोस की बात है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से आइन और कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और हम इस चीज़ को मुकम्मल पीसफुल पुरामन तरीके से अपनी कानूनी जद्दोजहद जारी रखें। मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्डर पढ़ें और उसमें जो जस्टिस अक्षर मिनल्ला का नोट है, अगर आप उस पर ज़रा अपनी नज़र डालें, तो उसमें ये साफ लिखा है कि इमरान खान, उन्होंने बरी भी इसलिए किया है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अगर आप जेल में रखेंगे तो आप एक शफाफ इंतखाब नहीं करा सकते। ये जेन्युइन इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा है, और एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए इनका बाहर होना ज़रूरी है। तो इस वक्त इस मुल्क में ना कि सिर्फ एक हाई कोर्ट, मगर पाकिस्तान का जो सबसे अव्वल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके जस्टिस असद मिनल्ला का लिखा हुआ लफ्ज़, उसकी भी ये कदर नहीं कर रही। शुक्रिया जी। मैं इसके बाद